Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So आज की वीडियो बड़ी मजेदार वीडियो है क्योंकि मैं आज finally the quick flick पे वीडियो बनाऊंगी the perfect wings. So ये एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, मैंने फेब में परचेज किया था खुद अपने पैसों से, तो ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. आई नो कि विंग्स बनाना और आई लाइनर करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, मुझे खुद इतना टाइम लग जाता है. हालांकि मैं विंग्स और आई लाइनर्स काफ़ी अरसे से बना रही हूँ, बट अभी भी जब भी विंग बनाने की बारी आती है तो एक गहरी सांस लेनी पड़ती है पहले, और फिर कॉन्सनट्रेट करना पड़ता है कि वो ख़राब ना हो जाए. सो मैंने फाइनली ये क्विक फ्लिक वाली चीज़ जो थी वो बाई की थी. सो बेसिकली ये एक स्टैम्प आई लाइनर है. इस तरह की स्टैम्प आई लाइनर वाली चीज़ें बहुत दफ़ा पहले भी निकल चुकी हैं, बट ये वाला जो था पता नहीं फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा था इट्स गन अ वर्क. एंड गाइज, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि ये वाकई काम करता है कि नहीं करता, कीप ऑन वॉचिंग. काफ़ी अच्छे से इसको ट्राई करी हूँ, जब से आया है मैं तब से ही इसको ट्राई करी हूँ. इस डब्बे के अंदर ये दो पेन्स आते हैं, एक आपकी राइट आई के लिए है और एक आपकी लेफ्ट आई के लिए. सो द थिंग इज़ कि एक एंड पर इन्होंने ये विंग आपको दिया हुआ है. आई डोंट नो इफ यू गाइज कैन सी, शो यू. ऐसा एक विंग दिया हुआ है जो आपने इसे स्टैम्प करना है, और दूसरी साइड पे आपको उन्होंने पेन दिया हुआ है जिससे आप बाकी का फिल इन कर सकते हैं. सो एक राइट आई के लिए उन्होंने विंग बनाया है और एक उन्होंने लेफ्ट आई के लिए बनाया है. सो लेट मी शो यू, दूसरा विंग भी है इनका ऐसा. बहुत ही मज़े की चीज़ है, काफ़ी जल्दी हो जाता है ऐसे विंग. विंग एक ऐसी चीज़ है जो करने में काफ़ी लोग घबराते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. बट ये मैट आईलाइनर्स नहीं है, ये शाइनी आईलाइनर्स है. मुझे टू बी ऑनेस्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इफ़ दैट मैटर्स टू यू आई एम जस्ट लेटिंग यू नो. सो आई एम गोना ट्राई टू डेमोंस्ट्रेट इट फॉर यू गाइस. सो राइट वाला साइड मैंने लिया है एंड आई एम गोना क्लोज माय आई, और जहाँ मुझे चाहिए एग्जैक्टली मैं इसको वहाँ पर लगाऊंगी. ये देखें, सी विंग लगी है. अब मसला ये होता है, मसला तो नहीं मैं कहूँगी, आई थिंक अच्छी बात यह है कि जो इसकी विंग बनती है वो मोटी बनती है. तो अगर आप अपनी विंग, कुछ लोग होते हैं जो अपनी विंग थोड़ी लंबी पसंद करते हैं, मैं काफ़ी अपनी विंग छोटी पसंद करती हूँ. तो अगर आप इसको, क्योंकि वो मोटा एज छोड़ देते हैं, तो वो इसलिए छोड़ दें ताकि आप इसको लंबा कर सको, पॉइंटेड बना सको अपनी मर्जी से, जितना ज़्यादा लंबा आप खींचना चाहते हो. और बाकी का एरिया आपने बस ज्वाइन करना होता है, फिल करना होता है, विच इज़ द ईजी पार्ट. आई एम गोना फिल इन द रेस्ट ऑफ दिस आई एंड देन आई एम गोना शो यू कि मैं इसको छोटा कैसे बनाती हूँ. तो विंग जो है एक आई की बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल आराम से इस मार्कर के साथ वो हो जाती है, क्योंकि इस मार्कर की जो टिप है वो भी काफ़ी पतली है तो फैलता नहीं है जल्दी. सो मैं अपना जो आई लाइनर है वो नीचे तक पूरा वो अरबी स्टाइल में नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता. सो अब जैसे कि काफ़ी बड़ी विंग हो गई है, सो व्हाट आई डू इज टेक अ वाइप और मैं अपनी फिंगर में इसको ऐसे लगाती हूँ, ऐसे थोड़ा सा पॉइंटेड करके, और फिर इसको ऐसे साफ़ कर देती हूँ. जितना मुझे चाहिए, जितना मैं इसको प्रिसाइज करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ. यूजुअली मैं इस आई लाइनर को अपना फेस करने से पहले करती हूँ, ताकि अगर नीचे से कोई मेकअप को, ताकि नीचे कोई मेकअप ना हो जो हट जाए. बट क्योंकि मैं इससे पहले एक वीडियो बना रही थी तो मुझे इसके बाद ही करना पड़ा ये. सो इट्स ओके, आई एम गोना फिक्स इट लेटर. सो आप लोग देखें, इतनी सी बात है, शार्प हो गया है, छोटा हो गया है और जैसे मुझे चाहिए. सो आई एम गोना क्विकली कंप्लीट माय अदर आई एंड आई एम गोना कम बैक, सेम थिंग करूँगी. आई थिंक आई शुड शो यू गाइस दिस पार्ट अगेन. सो ये लेफ्ट आई वाला है, विच इज़ आई थिंक इट्स अ जीनियस आइडिया कि उन लोगों ने राइट और लेफ्ट का अलग बनाया, क्योंकि यूजली जो स्टैम्प्स वगैरह आई थी वो खाली एक ही आती थी. क्लोज होके आपको दिखा देती हूँ,
सो आई अडोर दिस प्रोडक्ट क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान बना दी है. एंड आई लाइनर एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आई थिंक हर लड़की ही स्ट्रगल करती है. ये रिकमेंड कि यू गाइज गेट दिस. ये 3 साइज़ के अंदर आता है. ये मैं एक सेकेंड आपको देख कर बताती हूँ उनकी वेबसाइट से. मेरे पास जो साइज़ है वो है पिटीट, उसके बाद मॉडस्ट आता है जो कि मीडियम विंग है, उसके बाद ग्रैंड आता है जो कि बहुत बड़ा विंग है. तो क्योंकि मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि मुझे बहुत छोटे छोटे विंग्स पसंद हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर. इन माई ओपिनियन दिस इज़ अ ग्रेट ग्रेट इन्वेस्टमेंट अगर आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इट्स फॉर 33 कनेडियन डॉलर्स राइट नाउ. आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान शिप करते हैं कि नहीं करते हैं, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोज़. आई थिंक मैंने ग्लॉसिप्स की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बता रही थी कि आप कैसे किसी इंटरनेशनल वेबसाइट से चीज़ें मंगवा सकते हो. अगर वो वर्कआउट करता है तो दैट्स अ ग्रेट थिंग विच यू कैन डू. सो इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द सर्कल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सब्सक्राइब कर लिए तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें ताकि आपकी नोटिफिकेशन ऑन हो जाए. हर बार जब मैं पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए. लाइक ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. Like